जुमार नदी छठ पूजा समिति का पुनर्गठन हो चुका है। कई दिनों से चल रहे वाद विवाद के बाद समिति के संरक्षकों के द्वारा राजू महतो को श्री श्री छठ पूजा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष राजू महतो ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से जुमार नदी में छठ पूजा मनाया जाएगा और सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का भी पालन किया जाएगा। घाट पर कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिटाइजर और मास्क का भी वितरण किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष कई नए युवा छठ पूजा समिति से जुड़ रहे हैं और छठ पूजा की तैयारियों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि रांची नगर निगम और छठ पूजा समिति द्वारा घाट की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रांची प्रशासन द्वारा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की भी तैनाती की जाएगी। छठ पूजा समिति द्वारा घाट पर बढ़ती ठंड को देखते हुए कई जगहों पर आग जलाने की व्यवस्था भी रखी जा रही है। बता दें कि जुमार नदी में 20 वर्षों से छठ पूजा किया जा रहा है और जिले के हजारों लोग जुमार नदी में छठ पूजा करने आते हैं। तो राजू भैया, मुबारक हो छठ पूजा समिति का आपको अध्यक्ष बनने पे। भैया, इस बार किस रूप से छठ पूजा समिति का कार्यक्रम होगा, कैसे आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये पूजा तो हमारे जुमार नदी, हम लोग का राजधानी का मेन द्वार जुमार घाट, जो हम लोग जुमार नदी कहते हैं, हम लोग घुटी क्षेत्र में है और ये 20 साल से करीब 25 साल से पूजा हो रही है। 20 साल जब भी पूजा हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है और हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार पूजा इतना अच्छे से करें हम लोग और लोगों को सुविधा इतना अच्छे से दें कि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जी। और राजू, जैसे पूछ लें कि आपसे जो सरकार गाइडलाइंस निकाली है उसके तहत क्या क्या कार्यक्रम कर रही है, कोविड का जैसे संक्रमण केस बढ़ते जा रहे हैं राज्य में, उसको लेते हुए क्या करिएगा? गाइडलाइन जो सरकार निकाली है जी, हम सब लोग मिलकर पालन करेंगे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारी नई टीम बनी है, जो मास्क का जो हम लोग जोर दे रहे हैं कि सारे लोग मास्क पहन के रहें, डिस्टेंस बनाए, उसके बाद सर हम लोग अनाउंसमेंट करते रहेंगे सैनिटाइजर के लिए, सैनिटाइजर यूज किया जाए वहाँ पे जी। वैसे ही सबसे हमारे विचार रखा गया है। रजवी, सुरक्षा को देखते हुए क्या किया जाएगा इस बार? सुरक्षा को देखते हुए हम लोग तो हमें दो थाना पड़ते हैं जी, ये हमारा खेलगांव थाना है, बीएटी थाना हमारा है जी। तो थाने वाले से हम लोग बात किए हुए हैं, ठीक है, देखते क्या हो पाता हम लोग से। तो इस बार जो लोग आएंगे वो बिना डर के छठ पूजा समिति में पहुंचे, आप लोग जो सुविधा पिछले बार मिलती थी इस बार भी उससे ज्यादा बढ़कर इसकी मिलेगी हम लोग को, पूरा हम लोग गाइडलाइन कर रहे हैं, हम लोग हमारे जो नया टीम बना हुआ है हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि टीम इस बार कुछ ज्यादा हम लोग बना रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो वहाँ पाए। भैया, छोटे छोटे कस्बों से लोग आते हैं छठ पूजा करने, दूर दराज से आते हैं, बहुत गरीब लोग पहुंचते हैं, इनके लिए क्या नारियल वितरण ऐसा? हाँ, वहाँ पे हम लोग दूध का सुविधा दे रहे हैं, हम लोग नारियल भी, अगरबत्ती, ये सब हो, और हम लोग चाह रहे हैं कि सुबह जो ठंड रहती है मॉर्निंग में, तो जगह जगह पे हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे कहीं आग का सुविधा दिया जाए, किसी को दिक्कत ना हो जी। भैया, नगर निगम से क्या मदद मिल पा रही है? हाँ, एकदम नगर निगम से मुझे मदद मिल रहा है। हम लोग अभी वार्ड नंबर 7 के पार्षद को बुलाया थे, वो हमारे पास आई, बहुत ही अच्छा हम लोग को हेल्प कर रही है वो, हम लोग कोशिश करेंगे वार्ड 5 और वार्ड 6 के भी लोग से मिले हम लोग, जितना भी सहयोग हम लोग चाह रहे हैं उससे ज्यादा सहयोग मुझे मिल रहा है वहाँ। धन्यवाद। राजधानी रांची से द नेटवर्क के लिए संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको देश विदेश में हो रही सारी घटनाओं से अवगत करा सकें।